मुंबई की 5 खबरें सिर्फ मुंबई टीवी टॉप 5 बुलेटिन में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सबसे पहली खबर घाटकोपर क्राइम ब्रांच यूनिट से है, जहां पर क्राइम ब्रांच यूनिट ने गोविंदी शिवाजी नगर में 4 ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25 लाख रुपए की मेफेड्रोन बरामद की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए आगे की छानबीन शुरू कर दी है। दूसरी खबर, मुंबई में भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर जलजमाव हो रहा है, जिसके कारण बीएमसी ने चेतावनी दी है और साथ ही साथ कहा है कि प्रभावित इलाकों में 16 जुलाई तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। तीसरी खबर, DHFL बैंक के 35,000 करोड़ के फ्रॉड से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर DHFL बैंक की धोखाधड़ी मामले में CBI ने मुंबई से व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। आगे का क्या अपडेट है वो बहरहाल मालूम पड़ेगा। चौथी खबर, भारी बारिश के कारण मुंबई सहित अलग अलग जिलों पर महाराष्ट्र के रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें रेड अलर्ट की तो पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिले में रेड अलर्ट है और वहीं मुंबई और थाने में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से प्रभावित होते हैं बारिश से ये तमाम ज़िले। पांचवी खबर आर्यन खान से जुड़ी है, जहां पर आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन खान के पासपोर्ट को वापस लौटाने का आदेश दिया है। आर्यन खान को बड़ी खुशी हुई ये खबर सुनने के बाद और काफ़ी ज़्यादा फैंस में भी उत्साह नज़र आया। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।